नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान लगातार उन्नति कर रहे हैं। इस उन्नति में जिले के शहंशाहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साल 2013 से ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए एक पौधे में आलू और टमाटर दोनों उगाने की तकनीक विकसित करने वाले इस संस्थान के वैज्ञानिक टमाटर और बैंगन को एक साथ उगाने की कोशिश कर रहे थे और अब ये कोशिश सफल होती हुई नजर आ रही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में इस समय टमाटर और बैंगन की खेती एक साथ की जा रही है और इसे ग्राफ्टिंग के जरिए संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद बहादुर की देखरेख में किया जा रहा है। इस खेती के बारे में हमने प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद बहादुर से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने ये प्रयोग इसलिए शुरू किया था कि जल भराव वाले क्षेत्रों में टमाटर की खेती ढंग से की जा सके। इसके अलावा आजकल के टेरेस गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग कल्चर के लिए भी ये प्रयोग साल 2013 में ही आलू पर शुरू किया गया था। डॉक्टर आनंद बहादुर सिंह ने यह भी बताया कि ग्राफ्टिंग तकनीक से इस तरह का प्रयोग यहाँ पहली बार सफल हुआ है। इसे अभी हम लोग लो लेवल पर कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक में जब सब्जी शुरू में 25 दिन की ही रहती है तो उसकी अवरोधक क्षमता मापी जाती है। डॉक्टर आनंद बहादुर ने यह भी बताया कि ऐसे बैंगन की जड़ लेकर हम टमाटर और बैंगन दोनों पर ग्राफ्टिंग करते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ही पौधे से हम बैंगन और टमाटर दोनों पा रहे हैं। डॉक्टर आनंद बहादुर के अनुसार इस तरह से हमें एक पौधे से 3 से 4 किलो बैंगन और 2.5 किलो के लगभग टमाटर मिल जाता है। दोनों सब्जियों के टेस्ट पर प्रभाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम लोग विटामिन ए, विटामिन सी, लाइकोपिन इन सब पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी एक साल का डेटा हमारे पास है, एक साल और रिसर्च के बाद ये तथ्य और खुलकर सामने आ जाएंगे। मैं डॉक्टर आनंद बहादुर, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। ये किस तरीके की आप लोग खेती कर रहे हैं और ये कौन सा पेड़ है जिसमें एक ही पेड़ में 3 सब्जियां आ रही है? ये दरअसल ग्राफ्टिंग तकनीक के माध्यम से सफल हुआ है। इस तरह का प्रयोग जो है पहली बार यहाँ सफल हुआ है और हम लोग इसको प्रक्षेत्र स्तर कर रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग तकनीक में जो पौधा शुरू में 25 दिन का ही रहता है तो बैंगन की हम जो है जो हमारी ऐसी प्रजाति लिए हैं कि जिसमें अवरोधी क्षमता हो, मतलब जल भराव के प्रति भी अवरोध हो, जिसमें बैक्टीरियल विल्ट के प्रति भी वो हो और जिसमें सूत्र की एक कीड़ा लगता है उसके प्रति अवरोधी क्षमता हो, उसकी जड़ लेकर उसको हम लोग जो है उस पर टमाटर की और बैंगन दोनों की ग्राफ्टिंग किए हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक ही पौधे से हम बैंगन और टमाटर दोनों पा रहे हैं। तो इस तरह हम लगभग बैंगन 3.5 से 4 किलो बैंगन हमको मिल जाता है और लगभग 2.5 किलो तक एक टमाटर जो है एक ही पौधे से मिल जाता है। तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो क्या किसी तरीके का अंतर भी है या सब एक ही पौधे में आ रहा है तो क्या अंतर आएगा इसमें? अच्छा, ये चीज़ आपने बढ़िया पूछा। अभी हम लोगों ने इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, लाइकोपिन इन सब पे हम लोग कर रहे हैं। अभी एक साल का हमारे पास डाटा है, एक साल इसको हम और कर लेंगे तब बताएंगे। वैसे अभी मैं बता दूं कि अगर हम बैंगन की जड़ अगर यूज कर रहे हैं टमाटर के लिए तो विटामिन सी की मात्रा हमारी थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन एक साल इसको और कन्फर्म करना है तभी बताया जा सकता है कि इससे क्वालिटी में क्या फ़र्क आ रहा है। सर, ये किस तरीके की खेती हो रही है और किसानों को देखते हुए, उनके आय को देखते हुए कितना फायदेमंद होगा? खेती तो हम लोग अब इस तरह से कर रहे हैं कि किसानों को अच्छी उपज के साथ साथ गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिले और कुछ नई चीज़ें हट करके, जैसे गाजर की अगर हम आपको दिखाएंगे, 5 विभिन्न तरह की प्रजातियां हैं जो बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक हैं, मार्केट में उनका बहुत अच्छा मूल्य किसानों को प्राप्त होगा। और किसान भाई जो बनारस में अभी एपीडा के सहयोग से हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन सब्जियों की विदेशों में भी बहुत डिमांड होगी। सर, अभी एक ही पौधे में 2 तरीके की सब्जियाँ, ये किस तरीके का आप लोग का? ये ग्राफ्टिंग विधि से हम लोगों ने इसको तैयार किया है। बैंगन की जड़ पे हम लोग टमाटर और बैंगन की पौध की कलम बना करके इसकी खेती कर रहे हैं। एक ही पौधे, छोटे परिवार, शहरी जो आबादी है जो छतों पे टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी भविष्य में साबित होने वाली। क्या आपने इसकी टेस्टिंग कर चुकी है? जी, हम लोग वर्ष 2013-14 से इस ग्राफ्टिंग पद्धति पर कार्य कर रहे थे और पहले हम लोगों ने टमाटर और आलू एक पौधे में पैदा किया। अब ये जो है
है बैंगन और टमाटर हो रहा है। आगे हमारा लक्ष्य है कि हम एक ही पौधे से आलू बैंगन और टमाटर तीनों एक ही पौधे में पैदा करें, एक दो वर्ष में हम उस लक्ष्य को भी हासिल करें। कितना कारगर साबित होगा एक ही पौधे में तीन तरीके की सब्जियां या दो तरीके की सब्जियां? ये मैंने बताया, जैसे जो शहरी आबादी है, जो शहर में लोग आजकल पेस्टिसाइड रेजिड्यू लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण बना है, तो लोग अपनी सब्जी खुद उगाएंगे, अपनी सब्जी खुद खाएंगे, जो उनके लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होगी और रसायन मुक्त सब्जी का उपयोग हमारे उपभोक्तागण कर पाएंगे। बहरहाल देश के कोने कोने में किसान कुछ न कुछ अलग कर अपनी आय के स्रोत को बढ़ा रहा है। एक तरफ हरियाणा के जींद में किसान थाई एप्पल बेर उगा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में किसान हॉप्स की खेती कर लाखों कमा रहा है। जाहिर है एक ही पौधे में दो सब्जियां उगाना एक नई कामयाबी है। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।